वेलकम बैक एवरीवन। तो कल यानी कि 13 मार्च को एमसीसी ने एक नोटिस निकाला था जिसमें कि इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जिसने भी ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग 2022 में पार्ट लिया था, ठीक है, आइदर यू आर एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आप बीएससी नर्सिंग के लिए आपने मतलब पार्टिसिपेट किया था काउंसिलिंग में, ठीक है, तो आपका जो है रिफंड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। आपका रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जो कि 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ये लिस्ट है मतलब कि किनका किनका रिफंड हुआ है, वो आपका 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के लगभग में आपका रिफंड का लिस्ट आ जाएगा। जैसे ही रिफंड का लिस्ट आता है हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। हाँ, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो रिफंड होगा वो उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। जैसे कि आपने अगर कार्ड से पेमेंट किया था या फिर आपने यूपीआई से पेमेंट किया था, जिस मेथड से पेमेंट किया था उसी अकाउंट में आपका रिफंड होगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। फिर भी अगर 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक अगर आपका रिफंड नहीं आता है और उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होता है तो आप यहाँ पे आपका दिया गया है यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं finance@lifecare.com पे, यहाँ पे आप इसका आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा हमसे। और टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।